दोस्तों, अगर हम लोग आज देखेंगे तो मार्केट एक मार्जिनली पॉजिटिव है या एक फ्लैट है। लेकिन आज के मार्केट के हाईलाइट क्या है? बजट के ऊपर, आने वाले बजट के ऊपर मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। वर्ल्ड मार्केट थोड़े से नेगेटिव है और अपना मार्केट गैप डाउन खुला, फिर भी आज के मार्केट के हाईलाइट है कि ये एक सपोर्ट लेवल से यहाँ पे रिकवर किया है। निफ्टी जो है कि 200 पॉइंट रिकवर किया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट यहाँ पे लो से रिकवर किया है। तो इसका क्या मतलब है और कल हम लोग कैसे ट्रेड कर पाएंगे, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरुज बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 25 जून को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिस स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। अगर दोस्तों हम लोग निफ्टी का यहाँ पे सिंपल एनालिसिस करेंगे तो निफ्टी ने एक यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाया था जो है 23,337 और ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया जो कि ऑल टाइम है 23,669। तो यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए दिख रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल से मार्केट ने 200 पॉइंट का बहुत ही अच्छा रिकवरी किया। इसका क्या मतलब हो सकता है? तो देखिए कि मार्केट जब भी सपोर्ट लेवल से ये बाउंस करता है तो ये अपोजिट साइड जाने का चांसेस है, यानी कि मार्केट ये सब होने के बाद भी मार्केट यहाँ पे फिर से ऑल टाइम हाई टच करेगा या ब्रेक करेगा, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई है। तो यानी 23,669 जो पहले आया था यहाँ पे मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेक कर सकता है। रीजन कुछ भी हो जाए या फिर कुछ भी कंडीशन हो जाए, हमको अभी आगे जाके कैसे देखना है निफ्टी को। यहाँ पे पहले इस नजदीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कि 23,337 सपोर्ट रेजिस्टेंस 23,669 ये है। लेकिन जो आज का जो मूवमेंट हुआ है उसके ऊपर कि आज का जो हाई है लगभग जो है हमारे लिए 23,553 ये रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर डायरेक्ट ऑल टाइम हाई फिर से आ सकता है। अगर ऐसे नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया, तो हमारे लिए सपोर्ट 23,337 ही है जो कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट थोड़ा यहाँ से नीचे आ सकता है और नीचे का जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए हो सकता है नेक्स्ट लेवल। मार्केट का सपोर्ट 23,100 ये सपोर्ट हो सकता है, बट यहाँ पे जो आज का जो ये बना है उसे मुझे ऊपर ब्रेक करने के लिए लग रहा है कि मार्केट कर सकता है। प्लस मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और जो भी न्यूज चल रहे हैं बजट आने वाला है, इसलिए हमको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे एनालिसिस बहुत ही क्लियर है, इंट्राडे में हम लोग देखेंगे 5 मिनट के ऊपर निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी देखिए कि गैप डाउन खुलने के बाद बहुत ही अच्छा रिकवर हुआ और ये पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ पे हम लोग इंट्राडे देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसका अच्छा वाला लेवल निकालता हूँ। परफेक्ट इसका हाई निकालेंगे हम लोग तो परफेक्ट जो हाई रहेगा एकदम डॉट टू डॉट वो रहेगा उसका 23,557 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। और इंट्राडे में अगर हमको सेल करना है तो हम लोग इंट्राडे में सेल करेंगे निफ्टी को 23,491 के नीचे जाता तो सेल करेंगे, अगर कंडीशन ये होगा कि अगर मार्केट ये दो लेवल के बीच में ओपन होता है। कभी मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो जो आज जो सपोर्ट लिया था वहीं पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे तो ऊपर आ सकता है। गैप अप होता है यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना दे तो रेजिस्टेंस भी लेगा। तो जो चार्ट के ऊपर बाकी भी लेवल नीचे और ऊपर देख रहे ये देख के आप कल जो कि अच्छा अपर ट्रेड ले सकते हो। नहीं जो कि सबसे बेस्ट मुझे लगा कि बैंक निफ्टी। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, अच्छी तरह देखिए ऑन डॉट इसका ए लेवल आ गया। तो जो कि एग्जिट पोल आया था उसका जो हाई बना था ये 51,126, देखिए ये ब्रेक हुआ था, प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे वो जो हुआ था 19 को, और आज देखिए कि वही लेवल पे लो बनाया प्रॉपर और वहां से बैंक निफ्टी कवर हुआ और कवर भी हुआ बहुत ही अच्छी तरह और उसने बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया 51,955 के अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक 1,000+ पॉइंट का भी यहाँ पे रैली हो सकता है। अभी आपको नजदीक वाला जो सपोर्ट रहेगा 51,277 ये यहाँ पे लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिख रहा है और जो वो ब्रेकआउट होता है उसको रिटेस्ट लेता है और सपोर्ट से अगर मार्केट कवर होता है तो ये ऊपर के लेवल पे जाने के लिए यहाँ पे रेडी होता है। नजदीक वाला लेवल हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी का आज का हाई ये हमारे लिए नजदीक वाला लेवल होगा 51,778 के ऊपर अगर जाता है तो ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेगा ऊपर और आपको अच्छी तरह रैली भी यहाँ पे दे सकता है। नीचे का सपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो ध्यान में रख देना।
बैंक निफ्टी में इंट्राडे करना है तो हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी का जो रिकवरी देखिए बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे ऊपर हमारा जो लेवल है 51778 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। इंट्राडे सेलिंग के लिए हम लोग देखेंगे 51641 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। लेकिन नीचे और ऊपर जो लेवल है वहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसे बनाते हैं, वहाँ पे आपको बाय और सेल करना है अकॉर्डिंगली, आप ट्रांजेक्शन के ऊपर कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे फिन निफ्टी। तो यहाँ पे फिन निफ्टी भी देखेंगे तो मार्जिनली यहाँ पे पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छे कैंडल बनाए यहाँ पे फिन निफ्टी ने। देखिए कि जो ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था उसके ऊपर सपोर्ट लेते जा रहा है। तो फिन निफ्टी 23148 ये फिर से ब्रेक करेगा और आपको इसके नए लेवल्स और भी ऊपर वाले देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि डेवलप होंगे तो मैं ऊपर वाले लेवल यहाँ पे बनाऊंगा। तो फिन निफ्टी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है, तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी को कल ये ऊपर लेके जा सकता है। फिन निफ्टी में अगर हम लोग लेवल देखेंगे तो यहाँ पे मैं अगर आपको फर्स्ट लेवल बताऊँ जो कि चार्ट के ऊपर है तो हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं 23098 के ऊपर बाय कर सकते हैं। सेलिंग के लिए भी मुझे इंट्राडे का लेवल यहाँ पे निकालना पड़ेगा और वो है 23008 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। नेक्स्ट कल के लिए कुछ हम लोग स्टॉक देखते हैं तो मार्केट देखिए कि थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव साइड भी दिख रहा है मुझे। तो हम लोग पहला स्टॉक देखते हैं इंट्राडे के लिए वो श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पे हम लोग श्रीराम फाइनेंस देखेंगे तो पीछे जाते हैं तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई है। आज मैंने इसको सिलेक्ट इसलिए किया कि इसने देखिए कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट भी दिया ऑल टाइम हाई का और हाई ऑफ द डे क्लोज हुआ है 2890 के ऊपर। जाता तो हम लोग बाय करेंगे, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई कर रहा है तो यहाँ पे पहला टारगेट हम लोग 1% लेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो टारगेट है उसका 3029। कभी कभी इंट्राडे में इतना बड़ा टारगेट नहीं आएगा तो 1-1% से आप ट्रेडिंग कर सकते हो या प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है नौकरी, तो यहाँ पे नौकरी यानी इन्फोएज को हम लोग देखेंगे तो इसने नजदीक वाला जो हाई था ये ब्रेक किया है। और तो ये जो हाई बनाया है तो ये देखिए कि बहुत पुराना जो लेवल था इसने ये चेस करने को देखा था, आज उसके ऊपर क्लोज दे रहा है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग है। और 6606 के ऊपर हम लोग इसमें बाय कर सकते हैं, इसका पहला टारगेट 6886 का आ सकता है। तो दोस्तों जी स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि ये स्टॉक या इंडेक्स कल ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे ही टेक्निकल ऐसे सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।